बारामती की इस खूबसूरत सरजमीन पर मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि शानदार प्रोग्राम सजाने के लिए वॉइस ऑफ मीडिया की पूरी टीम और बारामती की पूरी टीम के लिए यह हॉल गूंजना चाहिए, आपकी तालियों से यह हॉल गूंजना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, इस वक्त मैं रियासत महाराष्ट्र के बारामती शहर में हूँ और वॉइस ऑफ मीडिया का राज्य अधिवेशन यहाँ पर 18 और 19 नवंबर दो दिन का जारी रहा। बहुत ही कामयाब ये अधिवेशन रहा। माननीय शरद जी पवार साहब भी यहाँ पर आए, ऐसे ही उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब का भी वीडियो की शक्ल में यहाँ पर एक पैगाम, वॉइस ऑफ मीडिया के इस अधिवेशन की कामयाबी पर बधाई का एक पैगाम आया और ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। पूरे महाराष्ट्र भर से तकरीबन यहाँ पर 1.5 से 2 हजार पत्रकार एक साथ यहाँ पर जमा हुए हैं। वॉइस ऑफ मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष माननीय संदीप जी काले की मेहनतें, उनकी पूरी टीम की मेहनतें रंग लाई और यहाँ पर आकर पूरे महाराष्ट्र के पत्रकारों ने पत्रकार एकता जिंदाबाद का नारा लगाया और कुछ जायज डिमांड्स उनकी है वो उन्होंने हुकूमत के सामने रखी, आला अधिकारियों के सामने रखी और नेतागण के सामने रखी और उनसे अपील की है कि इन डिमांड्स को पूरा किया जाए। हमें यकीन है कि हिवाड़ी अधिवेशन में अगर वॉइस ऑफ मीडिया की जानिब से दिए गए ये डिमांड्स अगर पूरे होते हैं तो वॉइस ऑफ मीडिया की जानिब से पूरे देश के पत्रकारों को एक अहम पैगाम होगा और यूं समझिए कि दिवाली का गिफ्ट होगा। चंद्रकांत को बांधने से काम करते हैं, आणि देशातल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये, प्रत्येक मोठ्या गावामध्ये आज वॉइस ऑफ मीडियाचा झेंडा लागलेला आहे। 37,000 पत्रकार बांधव आपल्या सोबत महाराष्ट्रात जोडलेले आहेत आणि वॉइस ऑफ मीडिया आज देशातली एक नंबर संस्था म्हणून जिचा नाव उल्लेख आपल्याला अभिमानाने करावा लागतो। पुन्हा एकदा राज्यभरातून आलेल्या सर्व पत्रकार भगिनी आणि बंधूंना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। या अधिवेशनातून ज्या काही आपल्या रास्त मागण्या ठराव आहेत त्यावर निश्चितपणे सहकार्याचीच आमची भूमिका असेल हे आपल्या सर्वांना या ठिकाणी सांगू इच्छितो। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।